हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक अमर सर में। नासिक नगर पालिका स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अभी नई वैकेंसीज निकाली है। वो वैकेंसीज है टोटल 24 जगहों के लिए वैकेंसीज है, जो कि नासिक स्मार्ट सिटी के लिए निकली है। ठीक है, ये 2019 की फ्रेश वैकेंसीज है। तो इसमें क्या 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 क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए और कितनी एज ग्रुप वगैरह है और सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी, आइए देखते हैं इसकी डिटेल्स क्या है। ओके दोस्तों, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस तरह का रहे इस तरह का है, जो आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा डाउनलोड करके और नोटिफिकेशन, और इसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन फिल करके देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका फ़ोटो लगाना है, नेम वगैरह सब कुछ, आपकी इंफॉर्मेशन इसमें फिलअप करनी है। और ये आपको फॉर्म ये आपको फॉर्म भरना है 31/1/2019 तक, ये आपको फॉर्म फिलअप करके देना है। ठीक है, 31/1/2019 ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ठीक है, और आपको ये आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या भेजने पड़ेंगे इसके साथ, आपका रिज्यूम, रिलेवेंट एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, कास्ट वैलिडिटी, सर्टिफिकेट, इसकी सब एक जेरोक्स कॉपी आपको इसके साथ भेजनी है। और वो इस पते के भेजने हैं नासिक म्यूनसिपल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यहाँ पे एड्रेस लिखा है। ठीक है, इस एड्रेस पे आपको ये मेल कर आपको ये फॉर्म फिलअप करके भेजना है। और जो शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट होंगे उनका ही इंटरव्यू होगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि इफ़ एन एप्लीकेंट फुलफिल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, इट डज नॉट गारंटी टू अपॉइंट सच एप्लीकेंट। ठीक है, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो आपको बुला सकते हैं। ठीक है, और इनकम्प्लीट अप्लीकेशन इफ एनी फॉर्म रिजेक्ट हो सकती है आपकी इनकम, तो आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। और 6 रिजर्वेशन दिया है यहाँ पे। ठीक है, 6 रिजर्वेशन फॉर SC/BC कैटेगरी सब्जेक्टेड टू, ठीक है, जो लॉ है उसके मुताबिक रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो अभी वैकेंसी देखते हैं। देखिए ये आप लिखा है स्वीपर, स्वीपर की वैकेंसीज है, एक वैकेंसी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन 8 पास और एज अप्लीकेबल। ठीक है, और उसी मंथली सैलरी रहेंगी 7,500 रुपये। ठीक है, और सेकंड है वैकेंसी प्यून, प्यून के लिए, उसके लिए भी एक पोस्ट है, उसके लिए 12 पास चाहिए और उसकी मंथली सैलरी 9,000 रुपीज़ सैलरी रहेंगी। ठीक है, और नेक्स्ट है अभी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CEO, उसके लिए एक जगह है और उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए MBA और मिनिमम 5 ईयर सिमिलर पोजीशन रिपोर्टिंग CEO मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और एडिशनल क्वालिफिकेशन भी ये चाहिए। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन वगैरह, 30-40 इंग्लिश मराठी टाइपिंग। हाँ, और नेक्स्ट है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, उसके लिए चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, और एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए गुड कम्युनिकेशन, इंग्लिश वगैरह, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का किसी भी इसका चल जाएंगे। ठीक है, 30-40 इंग्लिश मराठी टाइपिंग चाहिए होंगे। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिया है, आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है अकाउंट एग्जीक्यूटिव चाहिए BCom ग्रेजुएट विथ 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, और गुड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, और इसका जॉब प्रोफाइल ये रहेगा। नेक्स्ट है IEC एक्सपर्ट, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन और 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए, और एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए प्रोफेशनरी रीड राइट एंड स्पीक इंग्लिश मराठी हिंदी एंड इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज आपको चाहिए होंगे। आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है IoT एक्सपर्ट के लिए चाहिए BTech MCA इंजीनियरिंग साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, आपका जॉब प्रोफाइल यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है सुपरवाइज़र,
सुपरवाइज़र के लिए चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री और डिप्लोमा विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस का चाहिए, ठीक है, अर्बन प्रोजेक्ट, ठीक है, और गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए इंग्लिश की, और इसका जॉब प्रोफाइल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट के लिए चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी आर्किटेक्ट कर विथ मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, और इसका जॉब प्रोफाइल ये रहेगा। नेक्स्ट है अर्बन प्लानर, अर्बन डिज़ाइनर, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए अर्बन प्लानिंग डिज़ाइन का, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ठीक है, एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर, इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह है, उसके लिए चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन डेकोरेशन रिटायरमेंट, रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए जगह है वाली, ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम तो चाहिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर सैनिटाइजेशन, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन डेकोरेशन रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायर एम्प्लॉय भी चलेंगे इसके लिए, 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए उसके लिए, साथ में सिविल डिग्री चाहिए, ठीक है, जॉब प्रोफाइल यहाँ पे लिखा है आप, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर वाटर, ठीक है, रिटायर्ड एम्प्लॉय इसके लिए चाहिए और कम से कम उसका क्वालिफिकेशन 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर वगैरह चल रहे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल, प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए रिटायर करंट चेंज जूनियर इंजीनियर वगैरह चल जाएंगे, एजुकेशन का सिविल इंजीनियर चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल लीगल मैनेजर, उसके लिए एजुकेशन का बी ए एल एल बी बी ए बी एल इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ठीक है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए मीडिया मास मीडिया कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आप, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल मैनेजर फाइनेंस के लिए, ठीक है, और नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट मैनेजर चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिप्यूटेशन रिटायरमेंट और रिटायर करंट डिप्यूटी इंजीनियर, ठीक है, तो इंजीनियर डिग्री यहाँ पे डिग्री इन मास्टर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग इसकी डिग्री चाहिए होगी। हाँ, नेक्स्ट है डीवा इंजीनियर मैनेजर इन्वायरमेंटल वाटर सैनिटाइजेशन, इसके लिए सिविल की डिग्री चाहिए और एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पे। जनरल मैनेजर सिविल, सिविल के लिए जगह है वाली, 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है, और लास्ट वाला है जनरल आईटी मैनेजर, इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और डिप्लोमा और रिटायरमेंट रिटायर एम्प्लॉय चलेंगे इसके लिए, डिग्री और बैचलर डिग्री एमसीए और आईटी इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम जो भी कंप्यूटर से संबंधित ब्रांचेस है वो चल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका कोई है नहीं, और 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, तो जॉब प्रोफाइल तो यहाँ पे लिखा ही है, आप नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो काम का लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।